आपकी स्टोरी बताई जा रही है इस फिल्म के जरिए, आपको थोड़ा सा नर्वसनेस नहीं हो रहा कि अब सबके सामने, अब पूरी इंडिया देखेगी भाई, पूरी दुनिया देखेगी अब ये फिल्म, क्या बोलते हो? It's a bit awkward, you know, to watch your own movie, you know, movie that's made on you. It's a bit awkward, to be frank. But at the same time, I felt I was not the person who was very nervous. It has to be Sushant. The reason being, you know, let's say, जैसा बात करें, मैं क्यों बोल रहा हूँ सुशांत के ऊपर प्रेशर है कि किसी मैच के सिचुएशन की बात करें कि लेट से हम कोई मैच हार गए तो मेरा एक्सप्रेशन क्या होगा? ऐसे बैठा रहूंगा, मैं ऐसे बैठा रहूंगा? दो चार बार अपनी दांतों को ग्राइंड करूंगा, थोड़ा सोचूंगा, बस दैट्स इट. बट अगर सुशांत मूवी में ऐसे काम करता है तो यू कैन इमेजिन पूरे जो मूवी का ड्यूरेशन होगा वो ऐसे ही बैठा रहेगा. सो सुशांत के लिए ज्यादा मुश्किल था कि उसको बाहर निकालना है और ऑडियंस को बिलीव कराना है कि मैं अंदर से ऐसा फील कर रहा था, जिसके लिए इसने मुझे बहुत कुरेदा है कि उस समय कैसा फीलिंग था, इस समय कैसा फीलिंग था. मैं बोला यार तुम सवाल ही पूछते रहते हो. रियलिटी है कि रियलिटी है कि हमने बहुत कम टाइम स्पेंड किया साथ में, बट इसने जिस तरीके का एफर्ट डाला है, क्योंकि एक पार्ट क्रिकेट भी था, तो ऑफ कोर्स हर कोई हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, बट जब स्क्रीन में आपको प्रेजेंट करना पड़ता है तो आपको सर्टेन चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, स्पेशली अगर क्रिकेट से रिलेटेड हो तो क्रिकेटिंग शॉट्स वगैरह खेलने पड़ते हैं. सर हेलीकॉप्टर शॉट्स सर. तो मूवी में इसने हेलीकॉप्टर शॉट भी मारा है एंड इट्स एग्जैक्टली लाइक अ रेप्लिका. सो बहुत बहुत एफर्ट डाला है सुशांत ने एंड नीरज तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट. नीरज के लिए मैं आई फील ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स. काफ़ी अच्छे डायरेक्टर्स हैं, दूसरे भी अच्छे डायरेक्टर्स, बट आई लाइक जिस तरीके से ये मूवी को प्रोजेक्ट करते हैं, जिस तरीके से इनकी मूवी में जो भी मेन थीम रहता है उससे बहुत ज़्यादा इधर उधर डाइवर्ट नहीं होता है, इट स्टिक्स टू द थीम एंड दैट्स हाउ इट गेट्स ओवर. सो यू नो नीरज के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा. आई थिंक इज़ वेरी टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड है, बहुत हार्ड वर्किंग है और आई फेल्ट यू नो जितना भी हमने इंटरेक्शन किया, आई थिंक काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं, बट आई थिंक नीरज, बिकॉज काफ़ी चीज़ें हमने एक्सचेंज किया, शेयर किया, तो आई थिंक ही नोज़ अ लॉट ऑफ मी, द इनसाइड स्टोरी ऑफ मी, यू नो मैं कैसे सोचता हूँ, अगर मैंने कुछ किया तो मैंने क्यों किया या कैसे किया, यू नो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ये बहुत ज़्यादा जानते हैं. तो you know if you can convince him for an interview you will get a better interview than than you know really asking me a question, kyunki main kafi baar bol jaunga nahi is topic pe nahi bol sakta, ye nahi kar sakta, wo nahi kar sakta, but